राजधानी से काफिला जब मऊ पहुंचा तो काफिले की शान वहां की जनता ने देख करके बढ़ाई, अच्छे से स्वागत किया और सभी ने इस बात को जो मऊ का चमकता हुआ सितारा, जो राजधानी का अब उगता हुआ सूरज बन चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद की वर्षा की। देखिए हुजूम के साथ में कैसे वैभवी इंफ्रा डेवलपर्स ने अपनी जमाई जड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये प्लेस जो है इसको कहते हैं सलाहाबाद, सलाहाबाद मोड़ बोलते हैं इसको। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसी के कुछ ही दूरी पर 6 लेन प्रस्तावित हुई है, जिसका लुफ्त हमारे मऊ के वासी उठाएंगे। मैं इसी शहर का बच्चा हूँ, इसलिए इस जगह पे मैं रुका हूँ और मैं इस जगह को और अच्छी करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और आज का जो कारवां है ये ग्रेस प्लाजा के अंदर है और मैं मऊ की जनता को यहाँ पे बताना आया हूँ कि यहाँ की एजुकेशन और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को की सुधार करने के लिए लखनऊ में अपने सपनों का आसियाना बनाए। मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ कि मैं यहीं पे रह के बीएससी करता था, मैं बीएससी की पढ़ाई मैंने की यहीं से, रुके हुए थे और यहाँ की जनता से आवेदन कर रहे हैं कि लखनऊ में अपना आशियाना जरूर बनाए। तो सर देखिए, समय जो यहाँ पे जमीन दिख रही है, यहाँ रुके हुए हैं अजीत जी, ये बात करते हैं कि यहाँ रुकने का क्यों, क्या उद्देश्य था सर? यहाँ पे रुकने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मऊ का जो विकास हो रहा है उस मऊ के विकास को आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये जो मार्किंग दिख रही है ये 6 लेन प्रस्तावित हुई है, यहाँ से 6 लेन बन रही है। अगर हमें लखनऊ में जाना है या लखनऊ में अपना सपनों का आसियाना बनाना है, लखनऊ राजधानी की सुविधाओं को लेना है, बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, आईटी सिटी है, स्टेडियम है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई है क्योंकि मेट्रो भी बन गई है वहाँ पे। मैं मऊ की बात करता हूँ, ये सारी सुविधाएं अभी तुरंत में यहाँ पे नहीं आएंगी, लेकिन एक आने वाले 10 साल का जो सिनेरियो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट होने के चांसेज हैं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा शुरू हो जाता है वहाँ पे योजनाएं और परियोजनाएं गवर्नमेंट जरूर लॉन्च करती है। तो एक मैं मऊ का हूँ इसलिए मऊ के बारे में मैं कंसर्न हूँ। मऊ को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब अच्छी होने वाली हैं, लेकिन मऊ के साथ साथ मैं लखनऊ को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि लखनऊ में अपने सपनों का आसियाना बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विकास हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की चीजें आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लखनऊ में आए। थैंक यू। तो जैसा कि देखा आपने कि विकास की बात भी कर रहे हैं, जिस तरह से सरकारी विकास का बात करती है उसी तरह से वैभवी इंफ्रा डेवलपर जो है आपके लिए लाया आवासीय सुविधाएं जो कि कम दामों पे भी है, और जैसा कि बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ विकास की संभावना जो इन्होंने देखी उसको देखते हुए इनका ये कहना है कि मऊ के लोग राजधानी में भी एक आवास अपना जरूर बनाए। तो जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और 6 लेन जो ये हाईवे तैयार हो रहा है जो कि लखनऊ को भी जोड़ेगा, ये हम बात करेंगे कि यहाँ ये जो काफिला रुका हुआ है, काफी संख्या में आप देख रहे कि कारें खड़ी हैं और लोग भी खड़े हैं। आइए अजीत सिंह जी से बात करते हैं कि यहाँ रुकने का और क्या बताएंगे मऊ के लोगों को, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये क्या है सर? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूंगा, बिकॉज ये जो डेवलपमेंट हो रहा है और मेरे शहर में ही हो रहा है, मेरे जनपद में हो रहा है, क्योंकि मैं यहीं का बच्चा हूँ, इसी के बगल के विलेज का बच्चा हूँ, मैं बगल के गांव का हूँ और यहाँ पे इस तरह का विकास देख के मुझे बहुत खुशी है। और लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट की योजनाएं या प्राइवेट बिल्डर, बिकॉज वी आर एंटरप्रेन्योर, वी हैव प्लान टू समथिंग कि यहाँ पे कुछ करेंगे मऊ की जनता के लिए, बिकॉज मैं यहीं का हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि लखनऊ शहर जो है तहजीब का शहर है। यहाँ से स्कूलिंग करने के बाद, यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे मैंने MBA किया और आफ्टर दैट हायर एजुकेशन में हम गए, अमेरिका गए, तो बहुत सारे मैंने डेवलपमेंट अमेरिका में देखे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मऊ को मैं अमेरिका बना दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो विकास मुझे जो दिख रहा है मुझे बहुत खुशी है और मैं गवर्नमेंट को भी दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज इस तरह का विकास देख के कि मुझे लग रहा है कि हमारा जो यहाँ पे जनसमाज है उसको कुछ नया आगाज मिलना है और मैं इसीलिए इस मुहिम को जारी किया हूँ और इस चीज़ को आगाज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वकील साहब से थोड़ा सा और भी बात करेंगे, वकील साहब भी खड़े हैं कि
क्या लाभ मिलने वाला है मऊ की जनता को? नाम बताइएगा। देखिए मैं सुशील कुमार शुक्ला एडवोकेट, मैं देख रहा हूँ कि रोड बनने बढ़िया। देखिए जिस चीज़ का विकास हो, जिस क्षेत्र का विकास करना होता है, जब तक रोड नहीं है बनेगा, जब तक ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होगा, उसका विकास नहीं हो सकता। क्या कहेंगे, लखनऊ पूरा जिस तरह से विकसित हो चुका है, उसी तरह से मऊ भी विकसित हो रहा है, तो क्या कहेंगे मऊ की जनता के लिए क्या अपील है? देखिए मऊ की जनता की अपील यही करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए विकास हो रहा है, इसको अगर अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाना है, बच्चों आगे हायर एजुकेशन दिलानी है, तो मऊ में जो हम लोग कंपनी की प्लाटिंग कर रहे हैं वहाँ पर, ये कुछ प्लॉट ले अपना आशियाना है, हमने बच्चों को वहाँ पढ़ाने बेहतर एजुकेशन दें, यही हम चाहते हैं। तो जैसे कि देख रहे होंगे इस समय कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कर रहा है, जो कि 6 लेन है और जहाँ तक लखनऊ ही जाएगी। और अजीत जी की भी यही अपील है कि जिस तरह से हायर एजुकेशन और जिस तरह से प्रदेश सरकार विकास कर रहा है, उसी तरह से अपने परिवार का विकास और अपने विकास के लिए आप राजधानी में एक आवास भी ले सकते हैं, जिसके बारे में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वह भी इंफ्रा डेवलपर्स के बारे में। और जिस तरह से रोड जाएगी 6 लेन, उसी तरह से आप भी इसी रोड से जाते हुए अपने अपने जो है आवास पे पहुंचेंगे और आपका एक सुनहरा जो आशियाना होगा वो राजधानी में होगा। है जो हमारी छट्टी है मेरे विलेज के जस्ट बगल में है, और स्कूलिंग मेरी यही हुई थी। मैं सर का डिस्कशन करना चाहूँगा जी जी, जी। जिनसे मैंने एजुकेशन गेन की थी जी। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ऑलरेडी यहीं पे हैं वो, और उनका जो आपके गुरु हैं उनका आवास यहीं पर है, आवास यहीं पे है। और मैं ट्यूशन की मैं बात करूँ या कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ, तो सर ने खोला था, मैंने उनसे शिक्षा गेन की है। तो मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट द पॉइंट, मेरे सर हैं यहाँ पे, मैं फिर से उनका एक बार इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि देख रहे होंगे अपने गुरु का आदर करते हुए उनके आवास पे भी रुके हैं, ये जानते हैं, तो सर क्या कहेंगे अपने गुरु ने शिक्षा दी जिन्होंने आपको पढ़ाया? मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी है, मैं उनके लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा कि गुरु का जो दर्जा होता है वो सबसे बड़ा दर्जा होता है, एक गॉड का दर्जा होता है, बिकॉज जो शिक्षा हमें गुरु से मिलती है उन्हीं के आदर्शों पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु चाहे तो एक बच्चे को गुंडा भी बना सकता है, और गुरु चाहे तो एक बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे के, जैसे कि आपको एक बिजनेसमैन बना दिया आपके गुरु ने, क्या कहा? मैं आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज मेरे गुरु जी ने जो मुझे शिक्षा दी, आज उसी की देन है कि मैं एक शिक्षा यहाँ से गेन करने के बाद, एक स्कूलिंग करने के बाद जो है DCS के PG कॉलेज से BSc किया, फिर अमेरिका की पढ़ाई, मैंने अमेरिका में पढ़ाई की, एक हायर एजुकेशन गेन किया। ये जैसे होता क्या है, मैं कहना चाहूँगा कि ये पहले गुरु थे, इसके बाद और गुरु मिले, ठीक है, और एक गुरु का कारवां बनता गया, मुझे आशीर्वाद मिलता गया, ये आशीर्वाद की ही देन है, ये उसी की ताकत है कि टुडे आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग लाइक दैट, एंड लाइक आई हैव ओपन ऑर्गेनाइजेशन इन लखनऊ, देर आर 6 ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द 6 प्लेसेस। मैं वहाँ पे लोगों के लिए, मऊ की जनता के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा, और मेरा ये गांव ही है, मेरे बगल में गांव है, तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक रोजगार का ऑप्शन मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन करके यहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट के लिए लखनऊ में बहुत सारी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, बहुत सारे ब्रांचेज मैं खोल रहा हूँ, एंड मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं लेकिन इसके बाद वो घर पे बैठे रहते हैं। ये जो ग्रेस प्लाजा में आज का जो प्रोग्राम है या आज जो ये कारवा है, ये लोगों को यही संदेश देने आया है कि लखनऊ में अपने सपनों का आशियाना तो आप बनाएं, लेकिन अपनी शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज हम पढ़ाई तो यहाँ पे कर लेते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमने स्कूलिंग तो यहाँ से कर ली, लेकिन हमें हायर एजुकेशन के लिए शहर में ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, या अगर मैं बात करूँ डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो आपको KGMC या किंग जॉर्ज ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जो बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी स्कूलिंग कर रहा है, उसको नकल मार के न पास कराइए, उसको आपके घर का चिराग है, उसको सही तरीके से पढ़ाइए। अगर उसने सही तरीके से पढ़ाई की, तो मैं अपना एग्जांपल नहीं दूंगा, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे मैंने सर्वे किए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों से, मैं टीचर से मिला जो जिन्होंने मुझे
लेक्चर दिया था, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंटरमीडिएट और बीएससी, तो बहुत सारे लोगों ने ये व्यू अपना व्यू दिया कि बहुत सारे लोग यहीं से पढ़ के आईएएस बने हुए हैं, तो आप क्यों सबको लखनऊ बुलाना चाहते हो कि वहीं से आईएएस बनेगा। मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि मेरे गुरु हैं इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा मैं सुझाव दूंगा कि एक बार लखनऊ में आके देखिए कि वहाँ से कितने आईएएस बने हैं। अगर सर्वे मैं करता हूँ लखनऊ का, तो यहाँ के चार जिलों या चार एरिया से या चार गांव से अगर चार आईएएस बने होंगे, तो वहां के एक कस्बे की मैं बात करता हूं, एक टाउन की मैं बात करता हूं या एक एरिया की बात करता हूं, तो आपको एक ही एरिया में कम से कम 30 आईएएस मिलेंगे। ये एग्जांपल है, इसलिए मैं यहाँ के जो अध्यापकगण हैं या हमारे शिक्षक हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए मैं आई एम नॉट फोकसिंग ओनली लखनऊ, आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं उन्हें, लेकिन बच्चा यहाँ से स्कूलिंग कर लेता है या ग्रेजुएशन कर लेता है, इसके बाद उसे दिल्ली जाना पड़ता है आईएएस की तैयारी करने के लिए या उसे लखनऊ आना पड़ता है, तो ये सुविधाएं आप दीजिए, बच्चे को घर में ना रखिए। ये जो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि लोग जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा यहीं पर पढ़ लिया अब यहीं पर काम करेगा, वो क्या करेगा, एक यहाँ पर कितनी एम्प्लॉयमेंट है मुझे पता है, यहाँ पर रोज़गार कम है आपका, आप अपना समय काटते हो यहाँ पे, अपने बच्चों को अच्छे शहर में भेजिए और उसे अच्छी एजुकेशन दीजिए। मैं रोजगार देने की बात करता हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी को आप अचीव करिए। तो जैसा कि सर मऊ के चमकते हुए सितारे और जिस तरह से राजधानी में इन्होंने अपना बिजनेस जमाया है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से आप इनके गुरु भी एक शिक्षा भी दिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाया ही है जो आज फलीभूत हो गया, क्या कहेंगे? देखिए शुरू से मैं इनके टैलेंट को देखा हुआ हूँ और मेरे जांचे परखे ये शिष्य हैं और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ये अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। तो जैसा कि आज सपोर्ट मांगने आए हैं आपसे, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो ये लखनऊ के चमकते हुए सितारे हैं, ये कल दिल्ली के चमकते हुए सितारे होंगे, फिर इंडिया के सितारे होंगे। तो जैसे कि गुरु ने अपना आशीर्वाद दे दिया, ये आलोक जी से भी पूछते हैं कि यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश है। सर भैया मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ मऊ के पावन धरा को, और साथ में गुरुजी हमारे खड़े हैं, तो मैं गुरुजी के लिए सिर्फ दो ही शब्द कह सकता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बचाए। यानी अगर भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हों, तो एक भक्त यही पूछता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, तो आदरणीय गुरु जी का ही पलड़ा भारी है और हम उन्हीं से आशीर्वाद लेने आए हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना है। और मैं इसलिए अपने गुरु जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक जोरदार तालियों से हमारे गुरु जी को जो है सम्मान दें। और जी जो गुरु जी हम लोग हमारे अजीत भाई, मैं यहाँ पे वैभवी इंफ्रा डेवलपर्स में अजीत भाई की कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ और मैं भी एमबीए हूँ, और मेरा कंसर्न यही है कि आपने ऐसा क्या किया, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हम बहुत सारे जो सूरज हैं उनको पैदा कर सकें, जिस मुहिम में अजीत भाई लगे हुए हैं लगातार, और इसी मऊ से डेवलप करके लखनऊ पे स्टेट पे हम बैठाएं और नेशनल पे बैठाएं, जो बात आपने कही है, तो ऐसा क्या विशेष चीज़ें रही अजीत जी के लिए जो मैं अपने जो विक्रम भाई हैं जो हमारे एसटी न्यूज़ के हैं, मैं उनके तरफ से मैं आपसे। तो सर जैसा कि आपने सवाल सुन लिया, तो ये बताइए कि क्या सलाह देने वाले हैं सर? ओनली किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए पॉजिटिव विचार के साथ चले, हमेशा इनका अपनी खुशी किस तरह से बयां करेंगे? हमारी खुशी तो बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है, आज उन्होंने जो सम्मान मुझे दिया है उस सम्मान को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो जैसे कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है ये सभी जानते हैं, और जिस तरह से आज आशीर्वाद लेने आए थे सीएमडी अजीत सिंह और उनकी पूरी टीम, तो देखते हैं किस तरह से मऊ की इस धरती पर उनको आशीर्वाद मिलता है मऊ के लोगों।